पहले था कोई ना अब है ना होगा। जुलेखा हज़रत यूसुफ़ को देख के, मतलब बहुत खूबसूरत है हज़रत यूसुफ़। उनको देखने के बाद एक तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत है हज़रत यूसुफ़। उसने मेरे ख्याल से अपने हाथ काट ली थी, इस तरह से मैंने सुना है। उसको पता ही नहीं चला, उसने छुरी चला ली अपने हाथ के ऊपर में। मतलब वो उसका दिमाग बिल्कुल खो गया था वहाँ पे, वो छुरी से उसका हार्ट कट रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा था। लाइक समझो, अंदाज़ा लगाओ कितने खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़। तो इसमें कहा जा रहा है लिटरली कि होंगे खूबसूरत, लेकिन हज़रत हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम से नहीं है भाई, लिटरली। तो सोचो आप, तुम अंदाज़ा लगा लो कि हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम कितने खूबसूरत होंगे, जबकि हज़रत यूसुफ़ के बारे में इतनी बातें करी जाती है, तो हज़रत मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यू वाली मदद, क्या हाल है गाइस? आई होप गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नबी सैयदुल अंबिया के बराबर बाय सिप्तान हैदर, न्यू रमज़ान स्पेशल 2024। सिप्तान हैदर का कलाम है भैया, सिप्तान हैदर बहुत नेक्स्ट लेवल के रिसाइटर है। दिखने में ये छोटे से लगते हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है भाई, लिटरली ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा लीजेंड है। इस तरह की इनकी आवाज़ भाई, बहुत प्यारी, बहुत मैजिकल इनकी आवाज़ है, बहुत पावरफुल इनकी आवाज़ है। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं इनका, बहुत सारे मैंने इनके कलाम पर रिएक्शन ऑलरेडी करा हुआ है। तुमने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। उनमें से एक जो है ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल कलाम है भैया, बहुत सारे इनके कलाम है। तो बहुत बड़ा मैं इनका फ़ैन हूँ। तो ये एक न्यू कलाम आया है, ये एक न्यू कलाम इसे हम कहेंगे या फिर रिमेक कहेंगे, ये एक रिमेक है। नुसरत फ़तेह अली खान सर जी का एक कलाम है जिसका टाइटल, लाइक मैंने बता दिया, नबी सैयदुल अंबिया के बराबर है। तो एक रिमेक इन्होंने करा है, TNA रिकॉर्ड्स की तरफ से इस कलाम को रिलीज़ करा गया है। सो लेट्स सी इस कलाम को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते उसके बाद जो भी बात। सिप्तान हैदर, कुल अंबिया से अफजल आली मकाम है वो, अल्लाह बैठता है जिस पर सलाम है वो। नबी सैयदुल अंबिया के बराबर, नबी सैयदुल अंबिया के बराबर, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा। ना कोई ना अब है ना होगा, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा। अगर गए तो एक ज़ात अल्लाह की गए, अगर गए तो एक ज़ात अल्लाह की गए, जो ज़ाते मोहम्मद से ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, अब है ना होगा। जुलेखा थी जिससे पे फिदा जानो दिल से, जुलेखा थी जिससे पे फिदा जानो दिल से, वो यूसुफ बड़े खूबसूरत देखिल, वो यूसुफ बड़े खूबसूरत देखिल, रुखे मुस्तफ़ा से हसी रुए अनवर, रुखे मुस्तफ़ा से हसी रुए अनवर, ना पहले था कोई ना अब है ना होगा, पहले था सच है वजूद मुस्तफा।
ना पहले था कोई ना अब है ना होगा तैन हैदर। यार मैंने तुमको स्टार्टिंग में कहा था भाई, ये जो बच्चा है लिटरली, ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है। दिखने में भले ही छोटे, लेकिन इनकी जो जुबान है भाई, ऐसा लगता है कि किसी और की है। मतलब तुम खुद देखो यार, लगता ही नहीं है उस एज का इस तरह से कैसे पढ़ लेता है। बहुत यकीन कभी होता ही नहीं मुझे, मैं जब भी इनके कलाम सुनता हूँ मुझे लिटरली यकीन नहीं होता इस तरह का इनका कलाम होता है। सिप्तान हैदर बहुत ब्यूटीफुल यार, ये कलाम बहुत ज़बरदस्त था। कुछ कुछ लिरिक्स इसके थोड़े सर के ऊपर जा रहे थे, कुछ कुछ स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे, बाकी मुझे समझ में आ गया इस तरह से लगा। इस कलाम में बेसिकली कंपैरिजन करा गया है कि जो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो लास्ट प्रॉफिट कहते हैं इस्लाम के, उनके बराबर लिटरली कोई नहीं है। जो स्पेशली वो जो वाला पार्ट था, वो हज़रत यूसुफ़ वाला पार्ट जो उन्होंने एक्सप्लेन करा, जहाँ पे लाइक जुलेखा का ये वाक्या है, जिस लाइक जुलेखा हज़रत यूसुफ़ को देख के, मतलब बहुत खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़, उनको देखने के बाद एक तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़ लिटरली, है ना। उसने मेरे ख्याल से अपने हाथ काट ली थी, इस तरह से मैंने सुना है। मतलब उसको पता ही नहीं चला, उसने छुरी चला ली अपने हाथ के ऊपर में, मतलब वो उसका दिमाग बिल्कुल खो गया था वहाँ पे, वो छुरी से उसका हार्ट कट रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा था। लाइक समझो, अंदाज़ा लगाओ कितने खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़। तो इसमें कहा जा रहा है लिटरली कि होंगे खूबसूरत, लेकिन हज़रत हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम से नहीं है भाई लिटरली। तो सोचो अब तुम अंदाज़ा लगा लो कि हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम कितने खूबसूरत होंगे, जबकि हज़रत यूसुफ़ के बारे में इतनी बातें करी जाती है, तो हज़रत मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। बहुत नेक्स्ट लेवल यार, बहुत ज़बरदस्ती कलाम था लिटरली। इसमें पूरा कंपेरिजन करा गया है, हबीब हबीबे खुदा हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को कहा जाता है लिटरली, और कोई नहीं लिटरली। सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम है। दीदार करने के लिए सातवें आसमान पे शबे मेराज के दिन हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को बुलाया गया था, और किसी को नहीं बुलाया गया था। तो समझ लो इतने सारे नबी थे, लाखों नबी थे, लेकिन बुलाया गया सिर्फ हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को दीदार करने के लिए, है ना। बहुत ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छा ही कलाम था। इसलिए लाइक कहा जाता है बहुत स्पेशल नबी, बहुत पाक हस्ती हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम। बहुत सारे नबी थे लिटरली, बहुत सारे नबी थे, लेकिन भाई वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। वो मेरे लिए पता है, मैं इस्लाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर किसी पर्सनालिटी को मानता हूँ तो हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, मौला अली अलैहि सलाम हो गए, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहि सलाम, हज़रत अब्बास, लिटरली इनको देख के पावर आती है लिटरली। इतने लोग को अगर तुम देखोगे, भले तुम इस्लाम मुस्लिम तुम नहीं हो, फिर भी तुम बहुत कुछ सीखोगे, बिकॉज़ इन्होंने सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बहुत बहुत सारे काम किए। लाइक एग्ज़ाम्पल इमाम हुसैन ले लो, हज़रत अब्बास ले लो, उसके बाद हज़रत अब्बास से क्या सीखने को मिलता है कि अगर भाई हो तो हज़रत अब्बास जैसा, बहुत सिंपल सी बात है भैया। अगर बीबी ज़ैनब हज़रत अब्बास, इन दोनों का बॉन्ड तुम्हें पता है, तो फिर तुम कभी भी ये जो रिश्ता है भाई बहन का, इससे जुदा नहीं रह पाओगे, अलग नहीं रह पाओगे, समझ पाओगे क्या होता है भाई बहन का रिश्ता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या सीखा है सबको पता है लिटरली, बताने की ज़रूरत नहीं है। त्याग सीखा है, बलिदान सीखा है, कुर्बानी सीखी है, इस्लाम को बचाया है, अपने मज़हब को बचाया है, सच्चाई को बचाया है। सच को बचाने के लिए उन्होंने लिटरली अपनी गर्दन काट दी थी, पर वो झुके नहीं लिटरली, झुके नहीं लिटरली। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम क्या सीखा है लिटरली यार, गरीबों में दान करना हमेशा। भली वो भूखे रहे, लेकिन उन्होंने गरीबों में दान किया हमेशा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कुछ सीखने को तुम्हें मिलेगा यार, बहुत कुछ सीखने को तुम्हें मिलेगा। जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ,
उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन लिटरली, उनकी क्या बात करूँ यार, वो तो सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ऊपर लिटरली। यस, तो यस ये था वीडियो। सिप्तान हैदर की तारीफ़ में लिटरली क्या करूँ यार, लिटरली वो बहुत अलग लेवल के, मैं नहीं बोल सकता उनके लिए, इस तरह का लाइक लेवल उन्होंने क्रिएट कर लिया अभी सिप्तान हैदर ने, बहुत ब्यूटीफुल यार। तो यस, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक करें ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट की वाली मदद, लव भाई क्या उसे?